आज तक आपको किताबों में पढ़ाया गया है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, पर असली सच्चाई ये नहीं है। असलियत में आगरा का ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि हिंदू राजा मानसिंह ने बनवाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और मुझे ये सब कैसे और कहां से पता चला। वेल, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये चिंतन करने का विषय बन गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल एनजीओ हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है कि इतिहास को सही किया जाए। आज तक ताजमहल के बारे में जो बताया और पढ़ाया जा रहा है वो सब पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नहीं बल्कि हिंदू राजा मानसिंह ने किया है। शाहजहां ने बाद में सिर्फ उसका रिनोवेशन कराया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जो बताया जा रहा है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, ये सब गलत है और इसे भी हटाया जाए। सुरजीत सिंह यादव बताते हैं कि वो कई सालों से ताजमहल पर गहरा अध्ययन कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग ताजमहल को कभी भी नए तरीके से बनाया ही नहीं गया, बल्कि ये तो राजा मानसिंह की हवेली थी और इस पर उनके पोते राजा जयसिंह का अधिकार था, क्योंकि इतिहास में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि राजा मानसिंह की हवेली को गिराया गया था। इसलिए वो याचिका में दिए हुए अपने तर्क पर कहते हैं कि शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल का रिनोवेशन किया है। सुरजीत सिंह यादव दिल्ली हाईकोर्ट से ये अपील करते हैं कि एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया जाए और इस पर स्टडी करके ये पता लगाया जाए कि ताजमहल की उम्र कितनी है और ताजमहल असलियत में किसका है। इसके अलावा राजा मानसिंह के महल के बारे में भी पता लगाया जाए। अब इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 30 चंद्र शर्मा और जस्टिस तुषार राव गडेला ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा है कि वो इस याचिका पर विचार करें और सही जानकारी का पता लगाएं। अब दोस्तों अभी तक तो इस पर स्टडी चालू है, देखते हैं कि आगे इस मुद्दे पर क्या हल निकल कर आता है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे आपको क्या लगता है कि ये ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था या फिर राजा मानसिंह ने? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।